दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, क्या 26 जनवरी को दिल्ली में निकलेगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च? जानिए पुलिस क्यों नहीं दे रही इजाजत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर पर बैठा किसान दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहता है। पुलिस के साथ लगातार दो दिन हुई बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। मंगलवार को सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं और पुलिस के बीच बातचीत हुई, तो वहीं बुधवार को विज्ञान भवन में सुबह करीब एक घंटे मीटिंग चली, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। इसके देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को दिल्ली के ट्रैफिक का हवाला देकर समझाने की कोशिश में जुटी है। आखिरकार क्या वजह है कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली के अंदर दाखिल हों? अगली बड़ी खबर, गवर्नमेंट के प्रपोजल से किसान नेता खुश, हो सकती है सुलह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों से नाराज किसान तकरीबन दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन पहली बार किसानों और सरकार में सुलह होती नजर आ रही है। बुधवार को हुई वार्ता में कोई फाइनल नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन सरकार के प्रस्ताव से किसान नेता खुश नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि वो किसान भाइयों से चर्चा करके अपना फैसला 22 जनवरी की बैठक में सुनाएंगे। सरकार और किसानों में अब तक 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन पहली बार सरकार के प्रस्तावित से किसान नेता खुश हैं। अभी तक की सभी बैठकों में शिरकत करने वाले किसान नेता शिव कुमार कक्का ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें कमेटी पर तो भरोसा नहीं है, लेकिन सरकार ने कानूनों को फिलहाल स्थगित करने का जो प्रस्ताव रखा है वो भरोसे के लायक है। हम सभी किसान नेता इस फैसले पर विचार करेंगे और 22 जनवरी की बैठक में फैसला सुनाएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने 22 जनवरी को CWC की बैठक बुलाई, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम पर लग सकती है मुहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर काफी समय से नेतृत्व बदलने की मांग को लेकर उतल फुतल जारी है, मगर अब लगता है कि इस पर विराम लगने का समय आ गया। कांग्रेस के अंदर संगठन चुनाव कराने की मांग के बीच पार्टी ने शुक्रवार को यानी 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके साथ बैठक में पार्टी किसान आंदोलन और संसद के बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 22 जनवरी को CWC की डिजिटल बैठक होगी। बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम के साथ किसान आंदोलन और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। CWC के अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम पर मुहर लगाने के बाद तिथियों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस में नए अध्यक्ष पद का चुनाव ऐसे वक्त पर हो रहा है जब पार्टी अंदरूनी संकट से जूझ रही है। पार्टी के 23 नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए थे। यह नेता अध्यक्ष पद के साथ CWC और संगठन के दूसरे पदों के लिए भी चुनाव करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, संसद में विपक्ष के हर हमले का जवाब देने को तैयार सरकार, बीजेपी नेताओं ने की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। इस दौरान विपक्षियों ने कृषि कानूनों और चीन के आक्रामक रवैये और रिपब्लिक टीवी चीफ अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक होने के मामले पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर ली है। हालांकि सरकार भी सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष के हर हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में बुधवार को बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक की और बजट सत्र में सरकार की रणनीति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि संसद के हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। वहीं बीजेपी के एक नेता ने बताया कि विपक्ष सितंबर महीने में केंद्र के लाए तीनों कृषि बिलों की वजह से जारी किसान आंदोलनों का मुद्दा उठाएगा। नाम न बताने की शर्त पर बीजेपी नेता ने बताया, कांग्रेस लगातार किसानों को यह कहकर भ्रमित कर रही है कि कृषि कानूनों से उद्योगपतियों को फायदा होगा, लेकिन सच है कि जब वह सत्ता में थी तब उसने खुद APMC एक्ट को रद्द करने का वायदा किया था। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी और थवरचंद गहलोत भी शामिल थे। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान का नीतीश पर तंज, गृह मंत्रालय अपने पास रखकर भी अपराध नहीं रोक पा रहे CM। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन वह विफल है और उन्होंने कहा कि एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, इसके बावजूद भी वे अपराधों को नहीं रोक पा रहे। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि वे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आखिर अपराध रोकने के लिए हम लोग तो मुख्यमंत्री से ही सवाल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और बिहार पुलिस की कमान भी उन्हीं के हाथों में है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को चिराग रूपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें ढांढस भी बताया था।
अगली बड़ी खबर, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को बताया हिंकारी, कहा वाजिब मांग रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चलवा रहे लाठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में नियोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों पर किए गए लाठीचार्ज से नाराज विपक्ष लगातार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को घेर रहा है। इसी क्रम में आरजेडी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुई बर्बरता को लेकर सीएम नीतीश कुमार को निशाना बताया। आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को अहंकारी बताया और कहा कि मुख्यमंत्री वाजिब मांग कर रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्र का सख्त निर्देश, इस गणतंत्र दिवस पर ना करें प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल, तिरंगे का होगा अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस से पहले एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें आम जनता से आग्रह किया है कि वे प्लास्टिक से बने झंडे का इस्तेमाल न करें। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी कहा है वे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। एसटी द्वारा देखी गई एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को केवल कागज से बने झंडों के उपयोग के बारे में जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने और ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए निजी रूप से उन्हें डिस्पोज के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, बजट सेशन से पहले बीजेपी की रणनीति, विपक्ष को करारा जवाब देगी गवर्नमेंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर शाम बीजेपी के आला नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कानूनी मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में बीजेपी के नेता थावरचंद गहलोत समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई। 1 फरवरी को संसद में बजट भी पेश किया जाएगा। वहीं 29 जनवरी से बजट सत्र का आगाज होना है। 30 जनवरी को सरकार ने वर्चुअल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दरअसल बजट सत्र में विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। भारत चीन सीमा पर ताजा विवाद बड़े मुद्दे हो सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में चीन की हिमाकत बढ़ती जा रही है लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने सामना में मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना, तांडव को लेकर विरोध पर जताया संदेह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया पर निशाना साधा। शिवसेना में वेब सीरीज तांडव को लेकर शुरू हुए विवाद पर सवाल खड़े किए गए हैं। जी हां दोस्तों, सामना लिखता है MF हुसैन निसंदेह महान चित्रकार थे लेकिन उन्होंने हिंदू देवताओं के चित्र जिस तरह से बनाए हैं उस पर शिवसेना ने आपत्ति जताई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि MF हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर किसी को भी स्थिति में समझौता करना संभव नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है, क्योंकि जो तांडव के विरोध में खड़ी है वही भाजपा भारत माता का अपमान करने वाले उस अर्णव गोस्वामी के संबंध में मुंह में उंगली दबाकर चुप क्यों बैठी है। अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली को मंजूरी देने से दिल्ली पुलिस का इनकार, कल फिर होगी बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के संदर्भ में दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच गुरुवार को सिंधु बॉर्डर के निकट मंत्रम रिजॉर्ट में बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त SS यादव इस बैठक का समन्वय कर रहे थे। बैठक के बाद क्रांतिकारी यूनियन के नेता दर्शन पाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के आउटर रिंग रोड पर सुरक्षा कारणों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली परेड का आयोजन नहीं किया जा सकता। हम स्पष्ट हैं कि हम केवल वही ट्रैक्टर परेड करेंगे। केंद्र के साथ कल की बैठक के बाद हम पुलिस के साथ एक और बैठक करेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का मिशन बंगाल, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने कई बड़े नेताओं के साथ जरूरी की मीटिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मिशन बंगाल को फतह करने में बीजेपी पूरे जी जान से जुटी है। इसी साल अप्रैल मई के महीने में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लिए बीजेपी प्रचार तो पूरी ताकत से कर रही है लेकिन इसके साथ ही जमीनी रणनीति भी तैयार कर रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मिशन बंगाल को तहत दिल्ली में एक अहम बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित केंद्र और राज्य के कई मंत्री शामिल हुए। माना जा रहा है कि यह बैठक PM मोदी के बंगाल दौरे की तैयारियों को लेकर की गई है क्योंकि PM मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी को कोलकाता जाने वाले हैं। PM मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन के लिए 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे। वहीं JP नड्डा को बीजेपी के अध्यक्ष बने 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर नड्डा ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर सहयोग के लिए आभार जताया और बंगाल चुनाव में पूरी तैयारियों के साथ जुटे रहने का मंत्र दिया। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की कोशिश 294 सीटों से ज्यादा पर कब्जा करने की है। अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी पर कांग्रेस का जवाबी हमला, कहा बिहार की राजनीति से हटने पर अर्णगल बयान दे रहे सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर किसान आंदोलन को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष HK वर्मा ने कहा कि सुशील कुमार मोदी को भाजपा आला कमान ने बिहार की राजनीति से हटा दिया है।
जिससे वह अर्णगल बयानबाजी कर रहे हैं। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिस पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करे, यह युक्ति संगत नहीं है। राहुल गांधी एवं उनके परिवार की आलोचना करना भाजपा नेता को शोभा नहीं देता। दोस्तों, ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।